अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जी मैं आई हूँ आप लोगों को थोड़ा सा हटके, कुकिंग से हटके, कुछ अपने प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए। एज अ हेयर ड्रेसर मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि उनको कुछ टिप्स की, कोई थोड़ी प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है, थोड़ी सी बेसिक बालों की डूज एंड डोंट्स की नॉलेज देती हूँ। अच्छा, मेरी इस चीज़ के लिए मैंने सबसे पहले जो टॉपिक चूज़ किया है वो है शैम्पूइंग, जो कि एक बेसिक नॉलेज है जो कि लोगों को प्रोवाइड करना, मेरा ये ख्याल है कि बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हु कम टू मी दे आस्क मी व्हाट शैम्पू एंड कंडीशनर शुड आई यूज़। क्या मैं शैम्पू खाली यूज़ कर सकती हूँ, कंडीशनर की ज़रूरत है मुझे? यस, है। जिस तरह के भी बाल हैं कंडीशनर की ज़रूरत है। शैम्पू बेसिकली आपके स्कैल्प के लिए होता है और कंडीशनर आपके शाफ्ट्स एंड एंड्स के लिए होता है, बालों के लिए होता है। बाल, आपके बालों को कैसे शैम्पू की ज़रूरत है? क्या आपको ड्राई डैमेज बालों, आपके बाल ड्राई डैमेज हैं? क्या आपके बाल कलर ट्रीटेड हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? ये सारी चीज़ें आपको अपनी कंसिड्रेशन में रखनी है। आपको ये देखना है कि मैं कौन से तरह के, मुझे किस तरह के शैम्पू की ज़रूरत है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपके वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर जो है ना वो बहुत इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह इसलिए है कि वो आपके बालों में से मॉइस्चर खींच लेता है, और क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म पानी होता है कि वो बालों को ड्राई कर देता है। क्या टेम्परेचर, सवाल ये कि क्या टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए? वार्म वाटर, कम्फर्टेबल, जैसे आपके हाथ पे गिरे तो बहुत गर्म ना हो और बहुत यख भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, क्योंकि दैट इज़ अनकम्फर्टेबल। सो एक नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर इज़ गुड फॉर योर हेयर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर का एक बहुत ज़रूरी है आपके बालों के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी, ताकि स्किन में भी ड्राइनेस नहीं हो और बालों में भी ड्राइनेस नहीं हो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शैम्पू आप क्या सिलेक्ट करते हैं, आपको कैसा शैम्पू चाहिए, आपके बालों की कंडीशन क्या है, आपकी स्कैल्प की कंडीशन क्या है, क्या आप बालों को कलर करते हैं, क्या आपके बाल हाइलाइटेड हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब बाज़ार जाते हैं ना, आपको सामने बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं एंड यू गेट कन्फ्यूज्ड कि क्या करना है। भाई आप, सिंपल सी बात है, एक अगर आप अपने हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने हेयर ड्रेसर के साथ ये बात कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी रिसर्च करें कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। आपका स्कैल्प अगर ऑयली है और आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आप क्लेरिफाइंग शैम्पू यूज़ करें। तो ड्राई डैमेज बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, जो मेरी अपनी राय ये है कि मैं अपना पर्सनल आपको एक बता रही हूँ कि मिसाल दे रही हूँ कि ये है मोरक्कन ऑयल। आपको पता है मोरक्कन ऑयल वैसे ही बालों के लिए बहुत अच्छा है, और ये मोरक्कन ऑयल का शैम्पू और कंडीशनर है, विच इज़, अगर आपको दिख रहा हो, ये इसका कंडीशनर है और ये इसका शैम्पू है। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा प्राइसी है, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा आराम से, लेकिन ये है कि नेचुरली आपको थोड़ा सा, अगर हम महंगे कपड़े ख़रीद सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें, तो अपने बालों के लिए या अपनी स्किन के लिए ये चीज़ तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है अपने लिए। हम इतनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, इतना कुछ करते हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर आपने थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है, यू डिज़र्व इट। हम इतना जो, इवन हाउस वाइफ, हम लोग जो घर में काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम एक बेसिक, अपनी एक बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई बहुत बड़ी आपने गुनाह कर लिया। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि आप एक महंगा जोड़ा लेते हैं, ठीक है, और वो महंगा जोड़ा
आपने दो चार दफा पहना, लोगों को देख लिया, उसके बाद आपके दिल से उतर गया और आपने उसको फेंक दिया या आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया या आपने अलमारी में कहीं दूर टांग दिया कि देखें ये जाएगा कब पहने जाएगा। बालों को तो ये नहीं कर सकते, अपने आप को, अपने स्किन को, अपने हाथों पैरों को तो ये नहीं कर सकते। ये तो यू हैव टू वेयर इट एवरी डे, आपके साथ है, इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो अगर ये है तो फिर इसके ऊपर क्यों पैसे नहीं लगाते, इसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट नहीं करते और कौन सा इतना खजाना लग जाता है। इट्स जस्ट दैट लिटिल अमाउंट ऑफ मनी विच यू डिजर्व टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ। दूसरा एक और थोड़ा सा चीपर ऑप्शन है बॉडी शॉप का, आपको पता है केले कितनी मॉइस्चराइजिंग, कितना अच्छा है। तो इसका ये जो बनाना शैम्पू है और बनाना कंडीशनर है ये भी बहुत अच्छा है, ये उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है एंड यू नो दिस इज वेरी गुड, इट लॉक्स द मॉइस्चर इन योर हेयर। दिस इज मॉइस्चराइजिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। एक और प्रोफेशनल रेंज है जो कि लॉरियल की है, जो कि प्रोलोंगर के नाम से आता है। इसका शैम्पू होता है और इसका कंडीशनर भी होता है। इस वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है, लेकिन ये इसका हेयर मास्क है। हेयर मास्क भी अगर आप बालों में कलर करते हैं या फिर आप बालों में हाइलाइट्स की हुई हैं या कोई ट्रीटमेंट इस तरह का हुआ हुआ है, रिबॉन्डिंग हुई हुई है या फिर कैरेटिन ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, तो आपको अपने बालों में हेयर मास्क अच्छी क्वालिटी का लगाना होगा ताकि मॉइस्चर उसके अंदर लॉक हो जाए। ठीक है, यू हैव ऑयली स्कैल्प। नंबर टू, प्रोबेबली आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वहाँ पर बहुत गर्मी है और वहाँ बहुत डस्ट है और वहाँ, तो ये सारी चीज़ें गंदे बाल हमेशा गिरेंगे। लोग पूछते हैं कितना ऑफन मुझे शैम्पू करना चाहिए, यू आर द बेस्ट जज। आपको देखना है कि आपको कितना जल्दी शैम्पू करना है, क्योंकि हर एक के बाल डिफरेंट होते हैं, एवरीबडी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। कुछ लोगों के बाल हर रोज ऐसा लगता है कि उनमें से तेल निकल आया है। यू कैन शैम्पू इट एवरी ऑल्टरनेट डे, डजंट मैटर, क्योंकि बाल साफ रहने चाहिए। बाल इतना ड्राई है स्कैल्प और आपके बाल ड्राई हैं तो तीन तीन चार चार दिन तक बाल आपको नहीं लगेगा कि ये गंदे हैं, तो यू डोंट नीड टू वॉश इट। इट्स आपको देखना है कि कब आपको वॉश की ज़रूरत है बालों को। और शैम्पू जब आप लगाएं अच्छी तरह से, बालों के रूट्स में अच्छी तरह से रब करें शैम्पू को, लेकिन नाखनों के साथ, नेल्स के साथ नहीं उसको स्कैल्प को रगड़ना। सिर्फ आपका ये वाला इस तरह से होना चाहिए और फिर सर्कुलर मूवमेंट में, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी थोड़ा सा तेज कर देगा। ठीक है ना, तो ये शैम्पू करने का तरीका है। उसके बाद जो कंडीशनर है, कंडीशनर आपकी रूट्स के लिए नहीं है, कंडीशनर है वो आपकी शाफ्ट्स और एंड्स के लिए, वो आपके बालों के लिए, क्योंकि आपके जो बाल ड्राई हैं और आपके जो क्यूटिकल शाफ्ट्स खुले हुए हैं उनको सील करने के लिए कंडीशनर इस्तेमाल होता है। कंडीशनर लगा, अब कितनी देर के लिए कंडीशनर लगाना चाहिए, बस इतनी देर कंडीशनर लगा होना चाहिए जितनी देर में आप बाकी बॉडी वॉश करते हैं सारा कुछ, उतनी देर कंडीशनर बालों में लगे रहने और फिर रन वाटर थ्रू योर हेयर इतना अच्छा कि आपको लगे कि आपके बाल साफ हो गए। उसके अंदर प्रोडक्ट रहनी नहीं चाहिए, रह जाती है तो फिर वो बालों के अंदर फिर वो चिपचिपसा और वो बाल गंदे। बहुत दफ़ा मेरे पास ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग आते हैं और वो कहते हैं हमने शैम्पू किया है बट व्हेन आई टच देयर यू नो स्कैल्प, बाल तो मुझे हाथों में चिकनाहट महसूस होती है। इसका मतलब आइदर उन्होंने सही से वॉश नहीं किया, यानी कि ठीक शैम्पू पूरी फुल अमाउंट, इतना डाइम साइज इतना आपका शैम्पू होना चाहिए पूरे बालों के लिए। तो अगर या उन्होंने शैम्पू बहुत कम लगाया है या उन्होंने लादर सही नहीं बनाया, उन्होंने मसाज सही नहीं किया, कहीं कहीं बस पानी, बच्चे भी ऐसे होते हैं इधर बस शैम्पू डाला और उसके बाद शावर कर लिया, उनके बाल साफ नहीं होते। तो बाल आपको साफ करने, जैसे आप अपने हाथ धोते हैं साबुन यूं डाल के और पानी रन उसके ऊपर से तो नहीं बहा देते ना, आपको अपने अच्छे से हाथ धोना होता है। तो इसी तरह बालों को भी अच्छे से धोना होता है और उसके बाद फिर वही नीम गर्म पानी से अच्छी तरह बालों में से शैम्पू जब निकल जाएगा तब आप कंडीशनर लगाएंगे। और कंडीशनर लगाने के बाद उसको थोड़ी देर बालों में छोड़ने के बाद आप
और उसको बहुत जोर जोर से ऐसे गोल 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 बालों को नहीं करना, तो आराम आराम से अपनी उंगलियां उसके अंदर फेरें कंडीशनर जब लगाते हैं। तो जब आप बाजार में शैम्पू लेने जाएं तो आपने एक चीज देखनी है कि ये पैराबिन फ्री हो, सिलिकॉन फ्री हो और सल्फेट फ्री हो। ये तीन चीजें अगर नहीं है तो आपका शैम्पू सेफ है यूज करने के लिए। शावर लेने के बाद, बाल वॉश करने के बाद अपने बालों को जोर जोर से टॉवल के साथ रगड़े नहीं, उससे वो जो फ्रिक्शन होती है उससे बालों में ब्रेकेज होती है। बालों को अच्छे से आराम से स्क्वीज करें, उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकालें और उसके बाद टॉवल को रैप करके थोड़ी देर बालों को वैसे छोड़ दीजिए, ताकि आपका बहुत ज़्यादा जो एक्सेस वाटर है बालों में वो टॉवल में आ जाए, तो आपके बाल काफ़ी हद तक इतने हो जाएं कि उसमें वो ड्रिपिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूज वाइट टूथ कॉम टू डीटैंगल योर हेयर, और बहुत खींच खींच के नहीं, नीचे से आराम आराम से करें। जो गीले बाल होते हैं वो बहुत फ्रजाइल होते हैं, उनमें अगर आप उनको खींचेंगे और ज़ोर ज़ोर से उनमें ब्रश या कॉम करेंगे तो अगर नाजुक बाल हैं तो वो टूट सकते हैं, बीच में से ब्रेकेज हो सकते हैं। देखिए दो तरह के बाल गिरते हैं, एक होता है जो कि रूट्स पे से निकल रहे हैं जो कि गिर रहे हैं, और दूसरा होता है ब्रेकेज। ब्रेकेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती की वजह से होती है, हम किस तरह से अपने बालों को ट्रीट कर रहे हैं उसकी वजह से ब्रेकेज होती है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो आपका खाना पीना। आप ऊपर से तो जो केयर कर रहे हैं लेकिन अच्छी डाइट, अच्छी खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आप यू नो वॉट एवर यू ईट, कहते हैं ना कि आप जो खा रहे हैं वो आपके अंदर तो वो बेहतरी कर ही रहा है लेकिन ऊपर से आपकी अपीयरेंस में भी उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हैव बैलेंस्ड गुड डाइट जिसके अंदर आपका पोर्शन जो है आपका जो उसके अंदर सब्जी भी होनी चाहिए है, प्रोटीन भी होनी चाहिए है, फाइबर भी होना चाहिए, सारी चीज़ें, एक होलसम मील आपका होना चाहिए, और पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। जब किसी चीज़ का जो चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, डॉक्टर्स के साथ बात होती है, हमेशा ये कहते हैं हाइड्रेट योरसेल्फ, हाइड्रेट योरसेल्फ। तो वो सिर्फ आपके अंदर अंदर बॉडी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी आउटर बॉडी के लिए भी, आपके आउटर लुक्स के लिए भी बड़ा सख्त इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, मॉइस्चर को रिस्टोर करने के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पिए, अगर बहुत ज़्यादा नहीं पानी पिया जाता आपसे तो उसमें नींबू निचोड़ लें किसी तरह से, इस तरह से वो जो एक हेल्दी आपका डिटॉक्स वाटर बनता है जग में डाल के, जिसमें आप खीरे के टुकड़े काट के और थोड़ा सा लेमन स्लाइसेस, ये मिंट लीव्स, ये सब, उससे इतना रिफ्रेशिंग हो जाता है और इतना अच्छा लगता है, वो पीना भी आपको अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आऊँगी और आपको मज़ीद कोई टिप्स दूंगी बालों के बारे में। मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, आप लोगों को किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या आप इंजॉय कर रहे हैं मेरे हेयर से रिलेटेड वीडियोस को। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो आई विल मेक मोर वीडियोस रिगार्डिंग हेयर, स्किन एंड लाइफस्टाइल, हाउ टू कैरी योरसेल्फ, कपड़े कौन से आपके ऊपर सूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप के लिए इंशाल्लाह लेकर आऊंगी। बट आई नीड यू टू प्लीज कॉमेंट सो मुझे पता चले कि आप क्या किस तरह की चीजें चाहते हैं। इजाजत चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माई चैनल। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुदा हाफिज़।